हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 की, जिसको हम हिंदी में राजस्थान आबकारी अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, ये राजस्थान ईपीओ के सिलेबस में है, ये एक लोकल एक्ट है। ठीक है, इसके लिए आज हम देखेंगे किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टफ वर्ड्स दे रखे हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हम एक कहानी के थ्रू इसमें समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस एक्ट को एक्सप्लेन करके पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम बात करेंगे राजस्थानी आबकारी अधिनियम की। देखो, राजस्थानी आबकारी अधिनियम है जो, उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कब अप्लाई हुआ। ठीक है, इसमें कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, इनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो देखो, तो राजस्थानी आबकारी अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो देखो, राजस्थानी आबकारी अधिनियम को बनाने का उद्देश्य ये था कि राजस्थान में जितने भी मादक पदार्थ, अवैध शराबों का जो भी बेचना होता है, ठीक है, कोई निर्यात कर रहा है, कोई आयात कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, ये एक्ट था जो कि 20 मार्च 1950 को बनाया गया था, 1 जुलाई 1950 को ये राजस्थान पर लागू कर दिया था। सीधी सी बात है, जब राजस्थान आबकारी अधिनियम है तो राजस्थान पे अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये एक्ट नंबर 2 है। ठीक है, थर्ड बात, इसमें टोटल चैप्टर है वो 10 है और टोटल सेक्शन है जो कि 75 है। तो ये राजस्थान आबकारी अधिनियम का डिटेल्स है। ठीक है, अब इसमें जो 75 सेक्शंस हैं, ठीक है, इसमें से किस तरीके से पढ़ने, क्योंकि आप अगर इसका बेरेक्ट लैंग्वेज देखोगे तो बहुत टफ टाइप दे रखी है। ठीक है, बहुत अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, जो हमने कुछ तो ऐसे भी है जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ने की वैसे तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पर हमने निकाली है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं भी पढ़ती हूँ या फिर कोई और भी कोई मुझसे पढ़ता है, ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। देखो, हर एक्ट का फर्स्ट जो सेक्शन रहता है उसमें सिर्फ इतना पता होता है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नॉर्मल बात है, राजस्थानी आबकारी अधिनियम 1950 इसका नाम है, राजस्थान पे अप्लाई है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हमेशा दूसरा या तीसरा सेक्शन होता है जो उसकी परिभाषाएं बताता है, कुछ वर्ड्स को डिफाइन करता है जो पूरे एक्ट में घूमेंगे वो वर्ड्स, कि उनका मीनिंग क्या निकलता है। अब मेन बात यहीं पे अटकती है कि जब आप राजस्थान आबकारी अधिनियम उठा के देखोगे और जैसे ही सेक्शन 3 उठा के देखोगे तो एकदम से ये होगा कि ये कैसे वर्ड्स हैं, इनको कैसे किस तरीके से याद करें। तो देखो, इसको समझने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। ठीक है, अब जो सेकंड है, सेक्शन सेकंड, उसको विलोपित कर दिया, मतलब वो अब एग्जिस्ट नहीं है। थर्ड है जिसमें परिभाषा दे रखी है। ठीक है, अब हम उसको किस तरीके से समझेंगे। देखो, समझने के लिए हमने वैसे तो यहाँ पे भी लिख दिया, अब लिखा हुआ तो आपके एक्ट में भी है। ठीक है, पढ़ तो आप वहां से भी लोगे, पर समझे कैसे इसको। देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, आप समझ भी सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ी ट्रिक मान लो, एक बार नहीं तो दो बार देख लेना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये व्यक्ति है जिसने बियर पी, ठीक है, और ये चला तो आबू क्षेत्र में जाके गिर गया। ठीक है, अब सिर्फ वर्ड कनेक्ट करना, इनको मत देखो, सिर्फ वर्ड कनेक्ट कर लो और इसको देख लो, एक्ट भी मत देखो, कुछ भी मत देखो। एक व्यक्ति था जिसने बियर पी, चला और आबू क्षेत्र में जाके गिर गया। ठीक है, अब गिरने के बाद क्या होता है, जब कोई इंसान मान लो वाइन वगैरह जब पीता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पागलपन की तरह करने लग जाता है, तो विकृतिकृत हो गया। ठीक है, फिर एक इसमें वर्ड दे रखा है, विकृतिकृत स्प्रिट। ठीक है, तो वो भी इसी में सेम वर्ड हो गया, तो वो 3 का में डाल दिया। जो उसने बियर पी थी वो विकृतिकृत, मतलब पागल करने वाली थी वो। ठीक है, उसमें पागल करने वाली थी। ठीक है, उसके बाद इसको क्या हुआ, जब ये गिरा हुआ था वहां पे, तो वहां पे इसके पास क्या हुआ, आबकारी योग्य वस्तुएं मिली। ठीक है, अब आबकारी योग्य वस्तुएं मिलेंगी तो वहां पे कौन होगा, आबकारी आयुक्त वहां पे पहुंच गए। आबकारी आयुक्त पहुंचते ही वहां पे क्या हुआ, आबकारी शुल्क लगा दिया, क्योंकि आबकारी योग्य वस्तुएं थी उनके पास, तो इस व्यक्ति के पास तो। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने आबकारी शुल्क था जो किसको दिया, आबकारी अधिकारी को।
ठीक है, वहां पे पूरी टीम थी, आयुक्त तो थे बहुत बड़े बड़े, और जैसे वो शुल्क देगा तो किसी एक को ही देगा, तो वो कौन था? आबकारी अधिकारी। आबकारी अधिकारी ने लेके आबकारी राजस्व लगा दिया उसके ऊपर, और राजस्व लगाने के बाद उस जो शराब थी, जो भी योग्य वस्तुएं मिली थी, उनको निर्यात कर दिया। ठीक है, मतलब बेच दिया एक तरीके से। ठीक है, अब देखो हम यहां तक आ गए। ठीक है, निर्यात कर दिया। निर्यात करने के बाद वो क्या, किसको निर्यात किया था, मतलब आबकारी योग्य वस्तुएं क्या मिली थी उसके पास? इसने तो बियर पी थी, मतलब एक तरीके से शराब, तो वहां पे क्या हुआ, खामीराती शराब थी जिसका निर्यात हुआ था। अब वो क्या हुआ, निर्यात हो गया, ये व्यक्ति सोच में लग गया, तो 11 और जो 12 है, ठीक है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, तो आप सोच लो कि वो भी ब्लैंक हो गया, सोचना समझना उसके सब कुछ ब्लैंक, क्योंकि उसने तो बहुत पी रखी थी और उसकी जो वस्तुएं थी वो भी बिक गई। ठीक है, अब जिसने खरीदी थी, इस दूसरे व्यक्ति ने खरीदी इसकी वो जो भी आबकारी योग्य वस्तुएं थी, जैसे ही इसने खरीदी उसने क्या किया, आयात कर लिया। खरीदना मतलब आयात करा। ठीक है, आयात करने के जस्ट बाद क्या हुआ, यहाँ पे उस जो खामीराती शराब थी उसकी मादक औषधि बना दी, चिरे हुए डोडे पोसत बना दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो मादक औषधि और चिरे हुए डोडे पोसत बन गए, और लास्ट में थोड़ी बहुत बच गई, वो क्या बची, शराब बची। ठीक है, खामीराती का तो ये सारा चीजें बन गई। अब जब ये सारा मैटर चल रहा था तो मजिस्ट्रेट ने एकदम से संज्ञान लिया। प्रथम जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसने जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, उसने संज्ञान लिया कि ये क्या हो रहा है, इस केस को देखा, तो उस केस को विनिर्माण किया, मतलब उस केस को शुरू से अंत तक दोबारा देखा, विनिर्माण किया। ठीक है, मतलब हम समझने के लिए, इनके जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अलग है। ठीक है, पर इनको वर्ड्स को भी तो याद करें हम किसी तरीके से, तो वो यही ट्रिक है। ठीक है, जैसे ही मजिस्ट्रेट ने विनिर्माण किया, ठीक है, उसको देखा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, विनिर्माण किया तो उसको क्या मिला, शीरा और पचवई। ठीक है, शीरा और पचवई मिली कहां पे, एक स्थान पे, एक स्थान पर मिली। फिर मजिस्ट्रेट ने सोचा चलो इसको बेच दो। ठीक है, विक्रय कर दिया उसका, विक्रय कर दिया। फिर और क्या मिला, यहाँ पे क्या हुआ था, स्प्रिट, मतलब वो ठीक किस क्या था, शराब में क्या मिली हुई थी, स्प्रिट, तो यहाँ पे स्प्रिट मिली। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या हुआ, कहाँ मिली, कौन से स्थान पे, वो राजस्थान राज्य पे मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो राजस्थान पे ही ये एक्ट है जो अप्लाई है। ठीक है, राजस्थान राज्य पे मिली। फिर क्या हुआ, राजस्थान राज्य में क्या है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भबका होता है। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, भबका होता है, तो भबका, ताड़ी, ये सारी चीजें मिली, और उसने क्या किया, सारी चीजों को बोतल में भर लिया। ठीक है, बोतल में भरने के बाद उसने तोला और उसको उठा के गाड़ी में, मतलब परिवहन में रखा और चला गया। ठीक है, ये पूरे वर्ड्स है। वही बियर इसने पी थी, आबू क्षेत्र में गिरा था, विकृतिकृत हो गया, विकृतिकृत स्प्रिट युक्त निर्मित, आबकारी योग्य वस्तुएं, आबकारी आयुक्त, आबकारी शुल्क, आबकारी अधिकारी, आबकारी राजस्व, निर्यात, खामीराती शराब, ये दोनों ब्लैंक है, आयात, मादक औषधि, चिरे हुए डोडा पोसत, शराब, मजिस्ट्रेट, विनिर्माण, शीरा, पचवई, स्थान, विक्रय, स्प्रिट, राजस्थान राज्य या राजस्थान राज्य। 21 खेमे है भबका, 22 में ताड़ी, 23 में बोतल में भरने का, ठीक है, बोतल में भरना, 24 में तोला और 25 में परिवहन। तो ये क्या है, ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, इनका अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, समझने के लिए इतना ही है आपको कि आप पहले इन वर्ड्स को याद करो कि किस में क्या है। ठीक है, और आप इस पर्सन को ले लो माइंड में कि इसने क्या क्या काम किया, या फिर खुद को ले लो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम आगे भी इसकी क्लासेस है जो लेके आएंगे।